कितनी रौनक हो गई है इसके आने से, है ना? मैं तो कहती थी आप मानते ही नहीं थे। इसके आने से जैसे जान सी आ गई हो इस घर में। तुम मुझे अपनी चीज दे रही हो? मुझे इसका क्या करना है, वैसे ही मेरे पास लैपटॉप है और मैं इतनी सारी चीजें को क्या करूंगी। क्या हुआ, तुम क्यों इतनी गुस्से में खड़ी हो? आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। जितनी मुझे शर्मिंदगी हो रही है ना, आप सोच भी नहीं सकते। बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। वैसे हुआ क्या है, किसने कर दी बेइज्जती? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रुक कटवा, रुक 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 सही रुक। कासिम, कौन है तुम लोग? अपने भाई को एक मैसेज देना। कैसा मैसेज? हमने तो एक लाश को दफन किया था ना, अब उसको तीन तीन लाशें दफन करनी होगी। तीन? क्या बदतमीजी है, चौड़ियां से क्या बकवास है ये? जब किसी को मारते हो ना, उस टाइम ख्याल रखा करो कि तुम्हारे बहन भाई तो उसके भी हैं। मारो कासिम! भाग! कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। तुम ठीक हो ना? सारा होमवर्क? कुछ रहा तो नहीं क्या? नहीं, सब कर लिया। गुड, चलो अम्मा समरा के घर चलें। इस वक्त? हाँ, अब वो मेरी दोस्त बन गई है, उससे मिलने को दिल जा रहा है, याद आ रही है बात। डैडी तुम्हारे बाहर गया हुआ है, आए तो फिर चलते हैं साथ में। तो फिर पप्पू को फोन करके यहाँ बुला लेते हैं। ये कर सकते हो, आ जाएंगे तो मिलके हम खाना भी खा लेंगे। हेलो हेलो शैला, मैं इंस्पेक्टर हुसैन बोल रहा हूँ, आप कौन बात कर रही हैं? ये शैला का नंबर नहीं है, आई थिंक मैंने रॉन्ग नंबर डायल किया, आई एम सॉरी। जी नहीं, गलत नहीं लगा, आप कौन बोल रही हैं, अपना तारुफ करो। मैं शैला की भाभी बात कर रही हूँ, शैला से बात करवा दें प्लीज। मोहतरमा, आपकी नंद के साथ एक हादसा हो गया है, आप अपने घर के किसी मर्द को लेकर फौरन जनरल हॉस्पिटल आ जाए। हादसा? कैसा हादसा, वो ठीक तो है? फोन पर तफसील नहीं बता सकता, आप फौरन जनरल हॉस्पिटल आ जाए। जी जी ठीक है, जी ठीक है। क्या हुआ मामा? कुछ नहीं बेटा, जी बाजी। कुलसुम, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, नाजुक का ख्याल रखना, साहब का फोन बंद है, वो आए तूने कहीं मुझे फोन करे, या फिर जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे जल्दी। क्या हुआ है? पता नहीं।
फैमिली में एक्सीडेंट हुआ था, जख्मी को यहाँ लेकर आए थे, तो इंस्पेक्टर तारिक से उन्होंने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया था। हर एक से पूछो, किसी को कुछ नहीं मालूम, किसी का प्रॉब्लम सॉल्व होता है यहाँ पर। प्रॉब्लम क्या है? आधा घंटा हो गया मुझे यहाँ पे फिर रही, किसी को कुछ नहीं पता यहाँ पे वो लोग कहाँ है। प्लीज आप जख्मियों के नाम बताइए। कासिम और शैला। हाँ, कुछ देर पहले एक फैमिली आई थी, काफी जख्मी थी, उनके साथ एक बच्ची भी थी, उन्हें गोलियां लगी। उन्हें काफी गोलियां लगी थी, हमने आईसीयू में मुंतकली कर दिया है। ये कौन है? ये बेहोश है। He is no more. यारी। खातून और बच्ची ऑपरेशन थिएटर में है, प्लीज आप सबर से काम। नदीम से मिले लीजिए, डॉक्टर नदीम खुद ही यहाँ आ रहे। मेरी भांजी और बहन कैसी? अभी दोनों की कंडीशन बहुत सीरियस है, अगले 12 घंटे उनके लिए बहुत अहम है, अगर उन्हें होश आ जाता है तो सरवाइव कर जाएंगे। अब नहीं देख सकते, अभी वो आईसीयू में, अभी उनसे मिल नहीं सकते। आप उन्हें बाहर से जरूर देख सकते हैं, आए मेरे साथ। शैला कैसे? शैला? कौन शैला? जिन गोलियां लगी हैं वो शैला? मालूम नहीं। क्या बात? हटो मेरे रास्ते से, ये क्या तरीका है? अरे तरीके की ऐसी कितने सी? तुम लोग मुझे बता क्यों नहीं रहे हो कि उनकी कंडीशन कैसी है? सर आपकी आपकी बहन का नाम क्या है सर? शैला और समरा। सर वो जिनको जिनको गोलियां लगी? हाँ भाई। सर उनकी हालत तो ठीक नहीं है, वो बहुत बहुत क्रिटिकल हैं, 12 घंटे बहुत अहम हैं। और बकवास मत कर, पिछले 4 घंटे से तुम लोग मुझसे यही कह रहे हो कि 12 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। तुम्हारा एमएस कार्ड,
एमएस का है तुम्हारे। सर वो तो इस वक्त मौजूद नहीं है सर। क्यों नहीं है? उसे यहाँ होना चाहिए। उसका नंबर तो सर आप मेरी बात, मैं तुमसे कह रहा हूँ उसका नंबर निकालो। और सर ओके सर मैं नंबर दे रहा हूँ 0300 273 0064। मेरी भांजी और मेरी बहन को कुछ हुआ मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरे हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जी सर मैं पहुंच गया हूँ सर। जी आई अपडेट यू सर। ओके जी गजफर साहब बताइए क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मुझे नहीं, आप लोग यहां लाखों रुपए की फीस लेते और मुझे एक भिखारी की तरह ट्रीट कर रहे। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि मेरी बहन और मेरी भांजी की क्या कंडीशन है। सिर्फ ये बात मालूम करने के लिए आपने आधी रात को मुझे घर से बुलवाया है। ये बात आपके लिए गैर अहम होगी, मेरे लिए जरूरी है। डोंट शाउट प्लीज, ये हॉस्पिटल है गजफर साहब। अगर ये हॉस्पिटल है तो मुझे ये बात क्यों नहीं पता चल पा रही कि मेरी पेशेंट्स की क्या कंडीशन है? देखिए ये बात आपको ड्यूटी डॉक्टर भी बता सकता है, और सिर्फ ये बात मालूम करने के लिए आपने सेक्रेटरी हेल्थ से फोन कराया है। यू माइंड इट, मैं यहां सेक्रेटरी के डर से नहीं आया हूं। प्लीज इन सब बातों को छोड़िए, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मेरी बहन और भांजी की क्या हालत है। दैट्स ऑल। ओके डॉक्टर नदीम मेरे कमरे में आइए। जी अभी। डॉक्टर नदीम इनके पेशेंट की कंडीशन बताइए प्लीज। डॉक्टर साहब मैं पहले भी इन्हें बता चुका, इनके पेशेंट की कंडीशन अगले 12 घंटे तक सीरियस। फिर वही बकवास। मैं कई घंटों से यहां बैठा हूं और मुझसे हर कोई ये कह रहा है कि अगली बार। डॉक्टर साहब मैं अपने पेशेंट्स को यहां से लेकर जाना चाहता हूं, आप कम से कम उतना इंतजाम कर दीजिए। देखिए गजफर साहब आप जज्बात में कोई ऐसा फैसला ना करें जो आपके पेशेंट के हक में ना हो। एज अ डॉक्टर मैं आपको एक मशवरा यही दूंगा कि प्लीज आप हमें हमारा काम करने दीजिए। लेट अस डू आवर वर्क। आप पेशेंट के लिए दुआ करें एंड बी रेस्ट एश्योर्ड, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। हमारे इस हॉस्पिटल में बहुत माहिर प्रोफेशनल और क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। प्लीज गजफर साहब ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ। थैंक यू डॉक्टर साहब। किसका फोन था? डॉक्टर का फोन था, मैंने बयान लिखवा दिया। मिस्टर गजफर आपकी बहन की हालत अभी भी खतरे में है, अलबत्ता समरा शी इज बेटर नाउ, उसकी कंडीशन बहुत बेहतर है, अगले 1-1.5 घंटे में सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मेरी बहन बच तो जाएगी ना? देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा ना, शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स आपकी बहन का इलाज कर रहे हैं, आप बस दुआ कीजिए। आपके हाथ छोड़ दो डॉक्टर, मेरी बहन को बचा ले। संभालो क्या कर रहे हैं आप? प्लीज मैं आपके हाथ छोड़ दो। संभाले मैं आपको क्या कर रहे हैं? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं राहिला नहीं,
मेरी बहन पता नहीं किस कंडीशन में, मैं कुछ खा भी नहीं सकता इस वक्त, प्लीज प्लीज। डॉक्टर साहब, शैला साहब को होश आ गया है। अच्छा दैट्स गुड, मैं चेक करके आता हूँ प्लीज। आप सब जिसका नाम है औरत। जिसका नाम है औरत। मिशेला, अब बात ना करें प्लीज प्लीज। मुझे कुछ कहना है भाई। भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं नास्तिक के आने से खुश नहीं थी। मैंने जो कुछ भी किया उसकी अल्लाह ने मुझे सजा दी थी। तुम्हें कुछ नहीं होगा। आसिम मुझे छोड़ के चली गए और नहीं जाने वाली हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा भाई। भाई मेरी बच्ची, मेरी बच्ची का ख्याल रखिएगा। मिशेला क्यों करी हो ऐसी बातें? सब्रा का पापा कहेंगे ना मुझसे, मुझसे वादा, मुझसे बात करें, वादा मुझसे वादा। Sorry, she's no more. करें सब्र करें, अल्लाह की चीज अल्लाह ने ले ली, खुद को संभाले को तो। कैसे संभालूं? मेरी एक ही बहन थी, उन जालिमों ने यह भी नहीं सोचा। मैं हमेशा आपसे कहती थी दुश्मनी खतरनाक होती है, हमेशा आप नहीं जानते। मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं एक एक को जिंदा दरकोर कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मैं फिर गलती करेंगे, मैं आपको रोक तो नहीं सकती, समझा सकती। कौन ख्याल रखेगा हमारा? आपकी बेटी है मैं, हूं सम्रा, या हमारे कब्रों पर भी फूल चढ़ाने का हौसला है आप में? अगर है तो ठीक है। थे ना?
कहाँ है सम्राव? जल्दी आएंगे खरे। हौसला करे हजरत, अगर आप हौसला हार गए तो हमारा क्या होगा? हौसला ही तो टूट गया मेरा। मैंने शैला को माँ बाप बनकर पाला था, मैं उसके बगैर कैसे जीऊंगा? जीना पड़ता है, मरने वाले के साथ मरते नहीं है, आपको जीना पड़ेगा हमारे लिए, मेरे लिए, समरा के लिए, सबके सबके लिए। लेकिन उसके जाने की उम्र था, इसे क्या हो गया? जाना पड़ता है, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है बुला लेता, आज तक ना कोई रोक सका है, रोक सकेगा? समझा तो बिल्कुल अकेली रह गई, ना मां रही ना बाप, ये कैसी बदनसीबी है उसके साथ, कैसी बदकिस्मती है। अकेली नहीं है, उसकी जिम्मेदारी वो आपको देकर गई है, उसके पास आप है, मैं हूं, नाजो है, हम सब है उसके साथ। अकेली नहीं है, जाओ बेटा डैडी को रूम में ले जाओ, आप आराम करें, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। चलो बेटा। कैसे हैं मिस्टर गुलजार? आप काम कर रहे हैं? अच्छा, जिसके घर से दो जनाजे निकले हो, कैसा हो सकता है? समरा कैसे? उसकी कंडीशन अब पहले से बेहतर है, आज उसे इंशाल्लाह हम रूम में शिफ्ट कर देंगे। हम उसे मिल सकते हैं? मिल तो सकते हैं, लेकिन अभी उसे रेस्ट की जरूरत है। शाम तक रूम मिल जाएगा और फिर मेरा ख्याल है कि दो हफ्ते में वो मुकम्मल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। मम्मा कहाँ हैं? मामा के भी चोट लगी है ना, तो साथ वाले कमरे में ठीक हो जाएंगी तो आ जाएंगी। मम्मा से कहेगा कि मेरी तबीयत खराब है ना, फिर मेरे पास आ जाए। अरे हाँ, ये तुमने सोचा ही नहीं। मैं शरा से कहूंगा कि वो जल्दी से ठीक होकर तुम्हारे पास आ जाए, क्योंकि समरा उसका वेट कर रही है ना। बाबा क्यों नहीं आए? बाबा को बुलाएं। मामा नहीं आए तो बाबा को आना चाहिए था। मामा के लिए तो बाबा के साथ है, हम आ गए ना आपके पास। वो सब जल्दी से ठीक हो जाओ। Excuse me,
चलिए भाई बहुत बातें हो गई, अब समरा को रेस्ट कर लेना, आ जाए मेरे साथ। दरअसल ये बात मैं समरा के सामने नहीं करना चाह रही थी, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया। दरअसल हमें समरा का कुछ दिनों में एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक और ऑपरेशन? जी, ये जरा रिस्की ऑपरेशन, लेकिन आप लोग तो बेफिक्र, अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो समरा को इसके एक हफ्ते बाद ही यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बाजी, आज खाने में क्या पकेगा? शाम हो रही है। पता नहीं, कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा। लेकिन बाजी, खाना तो पड़ता है ना? तो बना लो ना कुछ, मालूम तो है तुम्हें हम क्या खाते हैं। ठीक है बाजी। सलाम अलैकुम। कहाँ चले जाते हैं, सारा सारा दिन नहीं होता। बेटा आपको पता है समरा हॉस्पिटल में, उसके पास किसी ना किसी को होना होता है, कभी मम्मी को कभी डैडी को। बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, कुछ काम निपटा लूं फिर मैं जाके सो जाऊंगा। तुम हॉस्पिटल चली जाना, मैं शाम में वहीं आ जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, आप आराम करें, मैं थोड़ी देर में चली जाऊंगी। नहीं, मेरे ख्याल में तुम अभी चली जाओ, उसे वहां हॉस्पिटल में अकेला छोड़ना ठीक है। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। ओके बेटा। अरे इसे तो बुखार है। हाँ, सुबह से बहुत ज्यादा बुखार था, अभी तो दवाई दी है, कुछ ठीक हुई है, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, आप आराम करें। जाए आज आप नहीं जाना प्लीज, आज तो मुझे बुखार हुआ है, आप मुझे छोड़ के जा रही है। नहीं ना बेटा, जाना पड़ेगा, समरा हॉस्पिटल में अकेली है ना, उसे नहीं छोड़ सकते। कुलसुम मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ समरा के पास, इसके साइड टेबल पर मैंने दवाई रख दी है, 2 घंटे बाद इसे दवाई दे देना ठीक है, और शाम को इसे दूध का गिलास दे देना। ठीक है बाजी। चलो अपने बुक्स उठाओ, होमवर्क कर लिया ना आपने, आप ही आराम करो, टीवी नहीं देखो ठीक है। चलो एक्चुअली वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो गई है। क्या कॉम्प्लिकेशन? हमें एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक और ऑपरेशन? मुबारक हो गुज़ैनफर साहब, ऑपरेशन कामयाब रहा, शी इज सेफ नाउ। हाँ, समरा का इमरजेंसी में ऑपरेशन होना था, और अगर ऑपरेशन नहीं होता तो उसका बचना मुश्किल था, तो मैं वहां होना चाहिए था, तो वहां नहीं थी। एक बिन माँ बाप की बच्ची जिंदगी और मौत की जंग लड़ी थी, पर तुम वहां नहीं थी। ATV, सारे रंग हमारे।